हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होगे। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में बात करने वाले फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो में बेसिकली गाइस हम कवर करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो गाइस आप लोग क्या हो सकता है। सेकंड गाइस हम लोग बात करने वाले जो हमारा कोबरा का जो बंडल है जो गाइस दिखने में काफी ओपी है, तो वो गाइस आप लोग गेम पे कब देखने को मिल सकता है। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर गाइस आप लोग ने मेरी दिन वाली वीडियो नहीं देखी जो मैंने यार लगभग 4 बजे डाली थी, तो वीडियो का जाके गाइस देख लेना, क्योंकि उसमें गाइस जो डायमंड्स की ट्रिक है वो मैंने आप लोगों को बताई है, मतलब गिफ्ट कार्ड की ट्रिक। अगर आप लोग को 100 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड चाहिए तो वो वीडियो गाइस आप देख सकते हो, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और इस वीडियो में गाइस हम लोग जो फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के रिवॉर्ड है उसके बारे में भी बात करेंगे कि गाइस आप लोग का जो रिवॉर्ड का जो कोड है वो गाइस आप लोग को कैसे मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज गाइस वीडियो को देख लेना शुरू से लेकर एंड तक। और गाइस अभी तक अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट जरूर कर देना, ठीक है। हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला जो अपडेट है वो गाइज हमारे कोबरा के बंडल से, ठीक है। तो गाइज काफी सब्सक्राइबर लोग मुझे कुछ दिनों से कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई ये जो हमारा कोबरा का बंडल है वो गाइज हमें कब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कोबरा का जो आप लोगों को बंडल देखने को मिल रहा है गाइज यार, ये आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों को 27 फरवरी को देखने को मिल सकता है, ठीक है। 26 या 27 तारीख को आप लोग कोई इवेंट में देखने को ये मिलने वाला है, जो हमारा लेजेंडरी कॉस्ट्यूम होने वाला है। आप लोगों को पता ही है काफी खतरनाक ये कॉस्ट्यूम है। अब ये जो कॉस्ट्यूम है गाइज काफी यार लोकेश अंबानी, ज्ञान अंबानी, सुनीता बहन अंबानी खतरनाक इवेंट में आएगा, मतलब जहां पर आप लोग के डायमंड्स पूरे के पूरे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये आप लोग को 26 से 27 तारीख को दिखेगा, तो रेडी रहना, क्योंकि यार बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई इसकी कंफर्म डेट बताओ। तो यार कहा जा रहा है 26 27 को आपको दिखेगा। अब ये आएगा शायद मुझे लगता है कोई सुबह वाले इवेंट में, क्योंकि गाइस यार ऐसे इवेंट सुबह ही आते हैं, ठीक है, 9, 10, 11 बजे रात में। तो शायद गाइस इसका चांसेस कम है, आ भी सकता है लेकिन कम ही है रात में आने के, रात के 12 बजे। बट यार आप लोग को सुबह 8-9 बजे ऐसे करके यार ये इवेंट दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट गाइस हमारे नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट से, तो गाइस काफी सब्सक्राइबर लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई नेक्स्ट इवेंट क्या हो सकता है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार का जो टॉप इवेंट था वो भी कोबरा इवेंट में बेस्ड था। तो कहा जा रहा है कि गाइस इस बार ऐसा होने वाला है कि आप लोग को नेक्स्ट इवेंट भी कोबरा इवेंट पे ही देखने को मिलने वाला है। ये पहली बार हो रहा है कि यार एक ही इवेंट पे बेस्ड आप लोग को दो दो बार टॉप इवेंट देखने को मिल रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि आप लोगों को नेक्स्ट इवेंट भी कोबरा का इवेंट पे ही बेस देखने को मिलने वाला है। तो कहा जा रहा है कि ये जो पेन की स्किन आप लोगों को दिख रही है, एक तो गाइजर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, दूसरी गाइजर आप लोगों को ग्रेनेड की स्किन है, ये गाइजर ये भी गाइजर टॉप इवेंट में देखने को मिल सकती है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा गाइजर कहा जा रहा है एक एक की स्किन भी है जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले दिखाई थी, जो मतलब ऐसी रेड रेड कलर की है सेम टू सेम, मतलब उसकी एट्रीब्यूट्स इतनी खास नहीं होंगी बट यार वो एक एक की स्किन भी टॉप में आ सकती है। और चौथा आप लोगों का अवतार या फिर बैनर कोबरा पे बेस, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको टॉप इवेंट बताया इसके गाइजर काफी हाई चांसेस है जो गाइजर मुझे लग रहा है आएंगे, ठीक है। अभी तक की जो लीक्स मिली है आप लोग देख लेना, नेक्स्ट इवेंट में आप लोग को यही देखने को मिल सकती है, काफी हाई चांसेस है। और यार जो भी आएगा कोबरा इवेंट में भी इवेंट पे ही बेस्ड होगा कहा जा रहा है, इसके बाद वाले भी, ठीक है। अक्सर वैसे गाइजर ऐसा होता नहीं कि यार पहला जो मतलब एक बार टॉप इवेंट कोबरा का आया तो फिर से आए, मतलब एक ही इवेंट में बेस्ट दो दो बार नहीं आते, बट यार इस बार आप लोग को दो दो बार एक ही इवेंट में बेस्ट टॉप इवेंट देखने को मिल सकता है, कहा जा रहा है काफी हाई चांसेस है, ठीक है। इसके बाद गाइजर आप लोग देख सकते हो हमारे गेम पे गाइजर आप लोग को जल्दी एक और न्यू फिस्ट की स्किन भी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि यार हमारे गेम पे एक फिस्ट की स्किन आएगी जो गाइजर कोबरा पे बेस्ड होगी, आप लोग को पता ही है कोबरा पे बेस्ड यार बहुत सारे आइटम है, इसीलिए गाइजर लोग टॉप इवेंट भी दोबारा कोबरा पे बेस्ड ही ला रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यार इसमें बहुत ही ज्यादा आइटम है यार, मतलब बंडल है, इमोट भी यार इसके 3-4 आ चुके हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो अभी ये फिस्ट ये भी लेजेंडरी आइटम है, मतलब यार इसके लिए भी बहुत सारे बंदे लोग बहुत ज्यादा डायमंड्स उड़ाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे आइटम्स है जिसमें यार बहुत सारे डायमंड्स लगते हैं। तो यार मतलब यार लुटेरा इवेंट है कोबरा इवेंट बेसिकली, और यार खतरनाक भी है, मतलब यार जो भी है, बट यार जो भी बोलो यार ग्रीना का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है इन इवेंट से। अभी जो कोबरा का इवेंट है ये भी गाइजर आप मुझे लगता है यार सुबह के 8 ऐसे बजे आएगा, 8:30, 9 जो यार सुबह वाले इवेंट्स आते हैं उनमें आप लोगों को एक कोबरा इवेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। काफी हाई चांसेस है, लेकिन कोबरा इवेंट का जो यार ये फिस्ट है आना तो यार 100% कंफर्म है। अब कब आता है क्या आता है इसका मुझे भी पता नहीं, मैंने बंडल का आपको बता दिया 26 से 27 तारीख को आपको बंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट गाइज हमारे टुनाइट अपडेट से, ठीक है। तो यार ये जो मैं आप लोगों को टुनाइट अपडेट बता रहा हूँ ये आज का टुनाइट अपडेट नहीं है, ये गाइजर आप लोगों को टुनाइट अपडेट कुछ दिनों में 100% दिखेगा, लेकिन ये आज का नहीं है। आज का क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो आप लोगों को 50% ऑफ दिख रहा है डायमंड रॉयल पे, तो ये गाइजर आप लोगों को जल्दी टुनाइट अपडेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी जब यार आप लोगों का डायमंड रॉयल खत्म होने वाला होगा जस्ट, ठीक है, जब 2-3 दिन बचे होंगे, तो उसके 1-2 दिन पहले यार 50% ऑफ ये वाला जो डायमंड रॉयल पे है ये 100% आएगा रात के 12 बजे, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक इवेंट ऐसे बता दिया कि 50% ऑफ आएगा अगर आप लोग ये बंडल निकालना चाहते हो। तो गाइस यार
आप लोग यार वेट कर सकते हो, क्योंकि यार हर बार आता है 50% ऑफ, तो यार इस बार भी आएगा। बहुत सारे सर्वर पे तो आ चुका है, हमारे सर्वर पे गाइस यार आखिरी के एक दो दिन पे ही आता है, ठीक है। तो ये टुनाइट अपडेट में आपका आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी शायद यार इसके जब बंडल के एक दो दिन जो बचे होंगे तब आ सकता है, ठीक है। बात करते हैं गाइस हमारे आज वाले टुनाइट अपडेट से, मतलब यार आज के बार आज रात के 12 बजे क्या देखने को मिल सकता है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, आज रात के 12 बजे कहा जा रहा है कि आप लोगों को कोबरा का कोई न्यू इमोट देखने को मिल सकता है स्टोर वॉर पे। अभी तक की जो लीक्स मिली है यार 50% कंफर्म है, 100% कंफर्म नहीं है। अगर आप लोगों को 100% कंफर्म जाननी है तो यार 9:30 में मैं करेक्ट बता दूंगा, अभी 1.5 घंटे बाद, मतलब लगभग आधा एक घंटे बाद। अब यार मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको पता लग जाएगी टुनाइट अपडेट क्या आने वाला है, 100% कंफर्म है, बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक की जो लीक्स मिले उस हिसाब से तो यार पता लग रहा है कि आप लोगों का इधर स्टोर पे यार आप लोगों को कोई इमोट देखने को मिल सकता है कोबरा पे बेस, ठीक है। बात करते हैं गाइज हमारे फाइनल अपडेट के बारे में, यानी गाइज जो हमारी फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के रिवॉर्ड से, ठीक है। तो जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है कि यार आज भी हम लोग को यार फ्री फायर इंडिया का चैंपियनशिप का रिवॉर्ड मिलने वाला था, और यार बहुत सारे बंदे लोग यार मेरे को सब्सक्राइब कर रखे हैं ताकि गाइज उनका जो रिवॉर्ड है वो बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि गाइज आपको पता ही होगा मैंने फ्री फायर बांग्लादेश के भी रिवॉर्ड आप लोग को टाइम पे बता दिए थे, और यार सारे जो रिवॉर्ड मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो गाइज यार देखो यार अभी जो लाइव स्ट्रीम है वो गाइज यार फिलहाल चल रही है जो फ्री फायर इंडिया की लाइव स्ट्रीम है, ठीक है। उन लोग की जो लाइव स्ट्रीम है लगभग गाइजर अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने अभी तक देखा कि उनकी जो वॉचिंग है वो गाइजर कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। अब यार ये भी हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए थोड़े देर में, अगर उनकी जो वॉचिंग है वो कंप्लीट हो गई तो आपका भाई है जो वो कोड आप लोग को दे देगा। अब कोड कैसे देगा आप लोग को पता ही है, कोड मैं कैसे दूंगा, आप लोग करना क्या होगा, अगर आप लोग को कोड चाहिए जो लाइव स्ट्रीम का है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग यार थोड़े देर पे मतलब यार 9 बजे तक या फिर 8:40 तक आप लोग यार कमेंट सेक्शन पे एक बार चेक कर लेना, 9 बजे तक, ठीक है, 9 बजे तक चेक कर लेना कमेंट सेक्शन पे, अगर कोड आया होगा मतलब वहाँ मैं लाइव स्ट्रीम देख लूँगा, लाइव स्ट्रीम पे मेरे को पता लग जाता है, मेरे को और भी बंदे बता देते, तो कोड अगर आ गया होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, जो भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे आप लोग ले लेना। रिवॉर्ड्स तो लेना यार आप लोग को आता ही होगा, मैंने यार कितने बार बता दिया, जिसको आता नहीं है तो यार एक बार 2-3 वीडियो नीचे में मेरी वीडियो देख लेना, वहाँ पर आप लोगों को पता लग जाएगा कि कोड वोड कैसे डालते हैं, ठीक है। तो अगर रिवॉर्ड आएगा तो मैं यार कर बता दूंगा, या तो कमेंट सेक्शन पे, एक तो मैं कमेंट सेक्शन पे डाल दूंगा इसी वीडियो के, ये वाली वीडियो के आप चेक कर लेना, पिन कर दूंगा मैं सबसे टॉप में, ठीक है। दूसरा गाइजर मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यार ये गरीना वालों की भी इसमें गलती है, आप लोग यार देख सकते हो, मतलब इन लोग यार कोड मतलब यार इतना घटिया घटिया आइटम देते तो यार कौन बंदा देखने आएगा। या तो गाइजर लोगों को ये करना चाहिए कि यार कोड कंप्लीटली देना नहीं चाहिए, या फिर गाइजर लोगों को ऐसे आइटम रखने भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को यार जो क्रेट्स है वही देखने को मिलने वाली है, मतलब यार इतने दिनों से बस यार लोग क्रेट्स ही देख रहे दे रहे, मतलब यार बंदे लोग इतनी मेहनत से लाइव स्ट्रीम देखते हैं यार, 1.5-2 लाख की वॉचिंग कराते हैं, उसके बाद यार लोग देते हैं 1 क्रेट, जो यार उससे भी तुम्हारा आइटम है जो परमानेंट नहीं निकलेगा। तो मेरे हिसाब से यार गरीना फ्री फायर वालों को यार कुछ आइटम्स एटलीस्ट अच्छे देने चाहिए, अगर दे रहे हो तो या तो यार मत ही दो, खाली यार नाम के लोग ने आइटम पता नहीं क्यों रखे, ठीक है। तो आप में से यार कितने बंदों को लगता है कि यार सही आइटम देने चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे को तो लगता है यार एटलीस्ट अगर इन्हें रखा है तो यार सही आइटम, तो नहीं तो यार रखो ही मत, खाली क्यों रखते हो पता नहीं यार 1 क्रेट के लिए, 1 क्रेट के लिए कौन आएगा यार, उसमें 1 क्रेट में वैसे ही तुम लोग को यार वो भी परमानेंट नहीं निकलेगा, मतलब 1 लेजेंडरी क्रेट में 100 बंदों में से यार 1 बंदे को परमानेंट निकलेगा, मतलब 1 करोड़ बंदों में से यार 10-15 बंदों को मिलेगा लगता है मुझे तो, यार बहुत ही टफ चांसेस है मतलब यार ऐसा। तो यार बाकी देखते हैं यार, जो भी होगा तो मैं आप लोगों को कोड बता दूंगा। तो अभी मैंने यार वीडियो थोड़ी जल्दी में इसलिए बना दी क्योंकि गाइजर अगर गाइजर मैं वीडियो उस टाइम बनाता हूँ तो होगा क्या कि आजकल यार जो अगर कोड आ गया तो फ्री फायर इंडिया की लाइव स्ट्रीम है तो आप लोग को पता ही है यार ये जो वेबसाइट है क्रैश हो जाती है, तो वेबसाइट क्रैश व्रैश हो जाएगी तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा तो यार आप लोग को जो कोड है वो टाइम पर नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने सोचा ये आइडिया लगाया कि मैं वीडियो पहले ही बना देता हूँ और आप लोग जो कमेंट्स सेक्शन है उसमें गाइजर चेक कर लेना, ठीक है सर, उससे आप लोग को गाइजर डायरेक्टली पता भी लग जाएगा और यार आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जल्दी जल्दी आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा वेबसाइट क्रैश होने से पहले, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है वो 100% क्रैश तो होनी ही है, आप लोगों को पता है इन लोग की टट्टी वेबसाइट ना, इन लोग टट्टी वेबसाइट को ठीक करते हैं तो क्या ही बोले, मतलब यार फ्री फायर वाले इंडियन सर्वर के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी करते हैं, ठीक है।